हम लोग यहाँ पे ड्यूटी करने से डर रहे हैं। हम लोगों को सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बगैर हम काम नहीं कर पाएंगे। आने वाले टाइम में हम भी डॉक्टर बनने वाले, बट अगर ऐसा कुछ होना है तो हम क्यों करें इतनी मेहनत। बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं, एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड, एक्सट्रीमली हर्ट। हम लोग यहाँ सुबह से वेट कर रहे हैं, सब लोग, स्टाफ, नर्स, डॉक्टर, सब लोग, और उन्होंने जो कहा आप सबने सुना, द फर्स्ट रीजन दैट शी गेव दैट कि वो एक महिला है और सिक्योरिटी रीजन के लिए वो यहाँ नहीं थी। सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, चाहे कोई मेल डॉक्टर हो चाहे कोई फीमेल डॉक्टर हो। जो हुआ वो आप सबको पता है, जो भी यहाँ पे जो नारकीय कांड हुआ है उस सबको पता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ड्यूटी करने से डर रहे हैं। हम लोगों को सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बगैर हम काम नहीं कर पाएंगे। हम कर रहे हैं, अभी भी ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वार्ड को छोड़ के, ऐसे अकेले छोड़ के, पेशेंट लोग को छोड़ के हम लोग आ गए, ऐसा नहीं है। पेशेंट लोग के पास भी हमारे नर्सिंग स्टाफ है और हम लोग यहाँ पे ये धरना कर रहे हैं, ये सब लिख के रखे है। और हम लोग मैडम को बोले हैं, जो प्रिंसिपल है उनको बोले हैं कि हम लोग को प्रॉपर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी दीजिए, वरना हम लोग ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। उनके तरफ से बोला गया है कि वो लोग दूसरे हॉस्पिटल से लोन करके सिक्योरिटी लाएंगे, तो ये हम सिक्योरिटी में बोला है सिविक पुलिस लाएंगे, तो ये हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। ये हम लोग का डिमांड नहीं है। हम लोग सीआरपीएफ मांग रहे हैं, डिमांड वही है कि प्रॉपर सिक्योरिटी चाहिए। सिविक पुलिस से कुछ नहीं होता है। वो लोग अंदर से ताला बंद कर दिए, तो हम लोग भी बाहर से ताला बंद कर दिए कि हम लोग से वो डर रहे, तो हम लोग भी उनको बोल रहे हैं कि अगर हम लोगों से उनको खतरा है तो उन लोगों से भी हमको खतरा है, इसलिए हम लोग भी बंद कर दिए उनको। एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड, एक्सट्रीमली हर्ट। हम लोग यहाँ सुबह से वेट कर रहे हैं, सब लोग, स्टाफ, नर्स, डॉक्टर, सब लोग, और उन्होंने जो कहा आप सबने सुना, द फर्स्ट रीजन दैट शी गेव दैट कि वो एक महिला है और सिक्योरिटी रीजन के लिए वो यहाँ नहीं थी। जब दूसरी बार उन्हें क्वेश्चन किया गया तब उन्होंने कहा कि उनके पास वाहन नहीं था आने का, तो वो चलकर नहीं आ सकती थी। तो हर सेकेंड, हर मिनट उनका आंसर चेंज कर रहा है, और थर्ड आंसर था कि अगर आप लोग बात नहीं करेंगे तो मैं अंदर जा रही हूँ, और माइक्रोफोन हटा के वो अंदर चली गई। हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा और हमें आंसर चाहिए। हम यहीं रहेंगे, हमें आंसर चाहिए और हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलता। हम यहाँ पे जो ये कैंडल मार्च कर रहे हैं, आपको पता ही होगा क्यों हम कर रहे हैं, और वी वॉन्ट एक्चुअली जस्टिस। और जो अब कल हुआ वो बहुत ज्यादा, एक तो वो हॉरिफाइड इंसिडेंट था जो वहाँ पे कल हमने देखा, उसके बाद आई गेस हमें सबको एकजुट होकर अब हम जितने बड़े प्रोटेस्ट कर सकते हैं हम उतना करेंगे, बिकॉज वी वॉन्ट कि ऐसा किसी डॉक्टर के साथ ना हो। और आने वाले टाइम में हम भी डॉक्टर बनने वाले, बट अगर ऐसा कुछ होना है तो हम क्यों करें इतनी मेहनत, तो वी वॉन्ट डू इट। हम चाहते हैं कि एक तो सिक्योरिटी बढ़ाई जाए सारे हॉस्पिटल्स में, जो हमारे हॉस्पिटल में कम करी थी पिछले कुछ सालों में वो बढ़ा दी जाए, और दूसरी चीज की सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, चाहे कोई मेल डॉक्टर हो चाहे कोई फीमेल डॉक्टर। सो वी वांट ओनली दिस थिंग। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर।
खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।